हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी सकर। नेम ऑफ द चैप्टर इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो बच्चों, अभी आप जो हैं सिक्स क्लास में आए हैं, ये न्यू सेशन है आपका। फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हु डिड पैट्रिक, किसने होमवर्क किया पैट्रिक का? एक पैट्रिक जो है बच्चा है, लड़का है, और उसका होमवर्क किसने किया? अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं बच्चों, कि आपको कई बच्चों का जवाब होगा कि उनको जो है दे डोंट लाइक टू डू देयर होमवर्क। कई बच्चे ऐसे होंगे जो रेज हैंड करेंगे अगर मैं पूछूंगी हु डिड योर होमवर्क। बच्चे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो रेज कहेंगे कि भाई आई डोंट लाइक टू डू द होमवर्क, क्योंकि कई बच्चे को लगता है ना कि बोलना ज्यादा पसंद होता है इन कंपैरिजन टू राइटिंग, लिखने से बचते हैं, दैट इज व्हाई दे डोंट लाइक टू डू देयर होमवर्क। यहाँ पे भी हम जिसकी बात कर रहे हैं, कौन है करेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कौन है पैट्रिक। तो पैट्रिक को भी जो है अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था, और उसकी एक विश थी। और क्या विश थी? कि कोई उसका होमवर्क कंप्लीट कर दे, राइट? एक होता है हम हेल्प लेते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं। जब भी आप काम करते हो, होमवर्क करते हो, जब टीचर को होमवर्क देती है तो आप हेल्प लेते हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है। बट एक होता है कि हमें करना ही नहीं है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो दे डोंट लाइक टू डू देयर होमवर्क। तो यहाँ पे पैट्रिक की विश थी, पर क्या उसकी विश पूरी होती है यह हम पूरे चैप्टर में देखेंगे। एल्फ एक नाम आएगा, एल्फ होते हैं बच्चों बौने होते हैं, टाइनी से लोग होते हैं, और जिनके जो है एक कैप पहनी रहती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एल्फ को। तो एल्फ यहाँ पे एक वर्ड आएगा, तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है एल्फ की, बौने की, राइट? तो वो जो है किस तरह से, क्या उसे होमवर्क आता था, क्या ट्रिक उसने दी, क्या होमवर्क पैट्रिक ने खुद किया या विद द हेल्प ऑफ एल्फ किया, इसका भी हम देखेंगे थ्रू दिस चैप्टर। तो बच्चों, अगर आप में से भी कई बच्चे ऐसे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम जो है खुद करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि एल्फ के हेल्प से कैसे पैट्रिक खुद अपना काम करता है और उसकी जो है नॉलेज कैसे गेन करता है। तो हु डिड पैट्रिक होमवर्क, ये यहाँ पे एक जो है सीक्रेट है, इसको जो है जब वी स्टडी द चैप्टर इट विल बी क्लियर। तो हु डिड पैट्रिक होमवर्क, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर का टाइटल का मीनिंग क्या है, कि हु डिड किसने किया, किसका होमवर्क, पैट्रिक होमवर्क। एपोस्ट्रॉफी किसके लिए होता है बच्चों? का, की, के, क्योंकि अभी आप फिर से सिक्स में आए हैं तो आप लोग जरा ध्यान दें, छोटी छोटी बातें जो यहाँ पे बताई जाती हैं। तो हु डिड, तो ये पास्ट टेंस में, किसने किया, किसका काम, पैट्रिक। पैट्रिक कौन है? एक बॉय है आपके जैसे, उसका काम किसने करा, उसका होमवर्क किसने करा, तो ये हम देखेंगे। और यहाँ पे क्या इसका सीक्रेट है या कौन करता है, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हु डिड पैट्रिक होमवर्क इंट्रोडक्शन, राइट? दिस इज वंडरफुल स्टोरी, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस स्टोरी को पढ़ते समय। तो दैट, और अगर आप जो है फोकस देंगे व्हाइल वी स्टडी दिस, और जब भी हम इसको चैप्टर को, आप भी कोई भी चैप्टर हो, नॉट ओनली दिस चैप्टर, तो आप लोग जो है फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी दैट हैज प्रेजेंटेड मैजिकल रियलिज्म। अब मैजिकल रियलिज्म क्या होता है? अगर जो अल्फ होते हैं, बौने होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, मैजिकल पावर होती है, और उस पावर की हेल्प से जो है वो कई लोगों की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं की बात करेंगे। दिस इज अ वंडरफुल और इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट हैज प्रेजेंटेड मैजिकल रियलिज्म, विच मीन्स समथिंग दैट इज नॉट मैजिक बट अ बिलीफ। मतलब एक्चुअल में वो मैजिक नहीं होता है, एक बिलीफ होता है, एक हमारा विश्वास होता है कि बौने जो है इनके पास एक मैजिकल पावर होती है, और उस पावर की हेल्प से जो है एक बैंड होता है और उसको घुमाते हैं और हमारी जो है विश पूरी हो जाती है। बट यहाँ पे जो हम देखेंगे मैजिकल रियलिज्म, तो विच मीन समथिंग दैट इज नॉट मैजिक बट ए बिलीफ इन अ ब्यूटिफुल मैनर। अ बॉय पैट्रिक
gets inspired and feels propelled to work hard by an imaginary elf. अब यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, पैट्रिक की. अब पैट्रिक यहाँ पे कैसे इंस्पायर्ड होता है, किससे इंस्पायर्ड होता है और किस तरह से एक जो है एल्फ, इमेजिनरी जो है एल्फ, उसकी हेल्प करता है और किस तरह से वो वर्क हार्ड करता है. ए सुपर नेचुरल बींग, ही इज नॉट ओनली एबल टू कम्प्लीट हिज वर्क, रेदर ही स्कोर्स हाई ग्रेड. अब एल्फ कैसे उसके हेल्प करता है, किसकी, पैट्रिक की, और किस तरह से उसने हार्ड वर्क ही नहीं करा, अपना होमवर्क ही कंप्लीट नहीं करा, इवन ही गॉट गुड मार्क्स राइट और हाई ग्रेड्स. दिस स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट सेल्फ हेल्प वर्क्स वंडर्स. तो यहाँ पे जो है कोई भी हम इस स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो बच्चों क्या होता है उसमें एक मैसेज कन्वे करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज रिटन बाय कैरल मूर. ये चैप्टर किसने लिखा है, कैरल मूर ने लिखा है और उसमें उन्होंने जो है मैसेज क्या दिया है बच्चों कि सेल्फ वर्क, अपने आप जो काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वंडर्स होते राइट. अगर आप अपने काम, अगर अपना होमवर्क खुद करेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगी. अगर मान लो आपका होमवर्क है, आपकी सिस्टर ने करा, आपके एल्डर ब्रदर ने करा या आपकी मदर ने करा, तो क्या बच्चों आपको पता होगा कि आंसर क्या है उसका. अगर आप खुद उसको आंसर करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो एग्जाम में आपको वो लर्न रहेगा, आपके माइंड में रहेगा और उससे आपकी मेमोरी भी शार्प रहेगी. तो यहाँ पे मैसेज क्या है बच्चों, द मैसेज दैट सेल्फ हेल्प वर्क्स वंडर. तो हमें कोई भी काम में किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, तब हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए जब हमें लगेगा कि हाँ भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्प्लीट राइट, तब हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए और तब भी हमें खुद करना चाहिए, ना कि अपने एल्डर से, किसी से भी या फ्रेंड से काम कराना चाहिए. तो हमें जो है सेल्फ स्टडी पे, सेल्फ हेल्प वर्क में फोकस करना है राइट. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, पैट्रिक, जिसको काम करना, होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. और कैसे हेल्प करते हैं, कौन उसकी हेल्प, हु हेल्प पैट्रिक हेल्प राइट. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों. अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय कैरल मूर और उन्होंने जो है मैसेज दिया है कि कोई भी सेल्फ स्टडी, सेल्फ वर्क जो है खुद करना चाहिए और उसके रिजल्ट्स जो हैं या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बहुत अच्छे रहते हैं, वंडर्स रहते हैं, फ्रूटफुल रहते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पैट्रिक. बच्चों इट इज क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट पैट्रिक. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. अब जैसे मैंने पहले भी जो है हमने डिस्कस करा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं दे डोंट लाइक टू डू देयर होमवर्क, बिल्कुल पसंद नहीं है उनको होमवर्क करना, उन्हें खेलना पसंद होता है, बोलना पसंद होता है, बट जब लिखने की बारी आती है तो दे डोंट लाइक टू डू और राइट एनीथिंग ऑन द पेपर राइट. सिमिलरली पैट्रिक एक ऐसा लड़का था, नेवर डिड होमवर्क, कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था राइट. टू बोरिंग ही से, और वो बोलता था कि भाई होमवर्क करना जो है बहुत टफ वर्क है और इट इज वेरी बोरिंग, टू बोरिंग ही से. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल. और क्या पसंद था उसको, ही लव्स टू प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल. तो दो उसके फेवरेट गेम थे, हॉकी एंड बास्केटबॉल. तो बच्चों का ध्यान कहाँ रहता है, डाइवर्ट हो जाता है. तो उनका ध्यान किसमें था, पैट्रिक का, हॉकी एंड बास्केटबॉल. कई बच्चे आप में से भी होंगे जिनको क्रिकेट पसंद होगा या बास्केटबॉल पसंद होगा, इसी वजह से जो है उनका ध्यान किसमें नहीं रहता, होमवर्क में. क्योंकि जब होमवर्क का टाइम होता करने का तो दे वॉन्ट टू प्ले देयर फेवरेट गेम. सिमिलरली पैट्रिक ऑल्सो लव टू प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. और सम टाइम जो है एक गेम खेलना चाहता था निंटेंडो. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. अब टीचर क्या बोलती हैं, आपको भी बोलती है ना, जब कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है तो टीचर क्या बोलती है आपको, डू योर होमवर्क इन टाइम
तो सिमिलरली उसके जो पैट्रिक के टीचर थे वो क्या बोलती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे यू वॉन्ट लर्न नथिंग, तो तुम्हें कुछ चीज याद नहीं हो सकती. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डेड फील लाइक एन इग्नोरेमस, बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. और ये सही था कि वो जो है बिल्कुल उसको होमवर्क पसंद नहीं था. ही नेवर लाइक टू डू होमवर्क, बट ही लाइक टू प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल और निंटेंडो गेम. तो उसको जो है बिल्कुल होमवर्क करना पसंद नहीं था. टीचर बोलती थी तब भी उसको कई बार ही लगता था कि हाँ भाई ये गलत है, बट वो करे क्या, व्हाट कुड ही डू, बिकॉज ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क से क्या था, हेट था. ही डोंट लाइक टू डू होमवर्क, नहीं चाहता था काम करना. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट. अब एक दिन क्या हुआ, अब अगर आप जो है होमवर्क करना नहीं चाहते तो क्या होगा बच्चों, तो आपकी विश रहेगी ना कि कोई आए और आपका होमवर्क कंप्लीट कर दे, राइट. तो एक दिन क्या होता है बच्चों, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. अब एक दिन क्या देखा, वन डे ही सॉ दैट हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, कि उसकी जो कैट थी किसके साथ खेल रही थी, लिटिल डॉल, एक छोटी सी डॉल के साथ. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और ग्रैब का मतलब क्या होता है बच्चों, पकड़ लिया. और उसने क्या करा, ही ग्रैब्ड इट अवे, टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. जिस जो कैट जो है लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी उसको उसने क्या करा, ही ग्रैब्ड, छीन लिया उसे, इट अवे. और उसको सरप्राइज क्यों हुआ, व्हाई ही वाज सरप्राइज्ड, बिकॉज इट वाज नॉट अ डॉल एट ऑल, ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज. टाइनियस्ट मीन्स बहुत छोटा सा एक क्या था, वो मैन था, बहुत छोटा सा एक मैन था, राइट. इट वॉज नॉट अ डॉल, दैट इज व्हाई ही वाज सरप्राइज्ड. तो बच्चों ध्यान रखें, आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट आंसर्स करेंगे. तो यही क्वेश्चन आपसे पूछना है कि कैट किसके साथ खेल रही थी, तो क्या देखा, व्हाट ही सॉ दैट हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल व्हेन ही ग्रैब्ड इट, और जैसे ही उसने उसको छीना तो ही वाज सरप्राइज्ड बिकॉज इट वाज नॉट अ डॉल, क्या था वो, इट वाज अ टाइनीस्ट साइज ऑफ मैन, एक छोटा सा आदमी था. यहाँ पे यू कैन सी टाइनीस्ट मैन, और ये कौन है बच्चों, पैट्रिक, और ये कौन है, कैट. तो इसने क्या देखा, व्हाट ही सॉ, क्या देखा बच्चों, कि उसकी जो कैट है किसके साथ खेल रही है, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, बट इट वाज नॉट अ डॉल. बार बार बता रहे हैं कि वो एक डॉल नहीं थी, बट इट वॉज ए टाइनियस्ट मैन, टाइनियस्ट साइज ऑफ मैन. अब टाइनियस्ट साइज का मैन कौन होते हैं, लेट्स सी. ही हैड अ लिटिल, अब उसने क्या, उसने पहना हुआ था, उसने जो लिटिल टाइनियस्ट जो मैन था उसने क्या पहना हुआ था, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, एक जो है वुलन जो है उसने शर्ट पहनी थी, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस. अब यहाँ पे ब्रीचेस और ब्रीचेस होता है, राइट. तो राइमिंग करने के लिए यहाँ पे बोला है ब्रीचेस, ब्रीचेस में शॉर्ट ट्राउजर्स, क्या होते हैं ब्रीचेस, शॉर्ट ट्राउजर्स. तो एक्चुअल में इट इज ब्रीचेस, क्या होते हैं, शॉर्ट ट्राउजर. राइट, तो शॉर्ट ट्राउजर्स जो है उसने पहने हुए थे, ए हाई टॉल हैट. तो ये जो है इसके पूरे नहीं होते, नी तक होता है, उसको बोलते हैं ब्रीचेस, उसको ब्रीचेस. एंड ए हाई टॉल हैट, और यहाँ पे क्या है, ये उसकी हाई टॉल हैट. मच लाइक ए बीचेस, और जैसे जो है बीचेस पहनती है वैसे उसने एक टोपी पहनी हुई थी, और ब्रीचेस में शॉर्ट, ओल्ड फैशन में पुराने फैशन की एक ब्रीचेस पहनी थी, शॉर्ट ट्राउजर्स थे, और एक हाई टॉल क्या थी उसकी, हैट थी, जैसे कि ब्रीचेस पहनती. ही यल्ड, यल्ड माने शाउट, चिल्लाया वो, सेव मी, सेव मी मींस बचाओ,
मुझे बचाओ, डोंट बी बैक टू द कैट, कि मुझे जो है इस कैट के पास दोबारा नहीं जाना है, प्लीज सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, और मैं तुम्हें जो है तुम्हारी विश जो है कोई भी विश तुम मांगोगे उसको पूरा करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट। तो उस टाइनियर साइज के मैन ने क्या बोला कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रोमिस यू दैट आई गिव यू अ विश, कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, बट डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे दोबारा उस कैट के पास मत भेजो। किसने बोला? हु सेड दैट? टाइनियर साइज ऑफ मैन सेड टू पैट्रिक, प्लीज डोंट सेंड मी बैक टू दैट कैट, आई प्रोमिस यू दैट आई ग्रांट या आई गिव यू अ विश, कि मैं तुम्हें एक विश जो है ग्रांट करूंगा दूंगा, ये मैं तुमसे क्या करता हूँ, प्रोमिस करता हूँ, राइट? पैट्रिक डिडंट कुडंट बिलीव। अब ऐसा कोई बोलेगा कि भाई तुम्हारी विश पूरी होगी, अब आपको भी पता है उसके मन में क्या चल रहा था, क्या वो नहीं चाहता था, राइट? तो जैसे ही उसने बोला कि I promise you that I will give you one, I will give you a wish. So Patrick couldn't believe how lucky he was. तो उसे लगा कि भाई विश्वास नहीं हुआ उसे कि कितना लकी है वो. Here was the answers to all his problems. अब उसको लगा कि भाई क्योंकि वो क्या था, कभी भी he never did his homework. तो उसे लगा भाई सारी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन मिल गया, ही गॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, जितनी उसकी प्रॉब्लम थी सबका उसको सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि एक जो है टाइनियस मैंने उसे क्या प्रॉमिस किया था कि प्लीज जो है मुझे जो है डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल गिव यू अ विश, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क till the end of the semester. अब पैट्रिक ने क्या बोला? So he said, अब ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? पैट्रिक के लिए। अब पैट्रिक ने क्या बोला बच्चों? Only if you do, कि ये तभी पॉसिबल है कि I will not give you back to that cat. If you do all my homework, कि अगर तुम जो है till में तक end of semester तक मेरा सारा homework कर दोगे, तो आई विल नॉट गिव यू बैक टू दैट कैट, तो मैं आपको जो है उस कैट के पास नहीं भेजूंगा। खुद से किसने कहा, किससे कहा? पैट्रिक सेड टू दैट टाइनियर साइज ऑफ मैन। उसने कहा ये तो तभी पॉसिबल है कि अगर तुम जो है इफ यू डू माई ऑल होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, राइट? लेट सी कि क्या आंसर देते हैं वो। That's 35 days. अब उसने ड्यूरेशन भी बता दिया, पूरा ड्यूरेशन क्या है सेमेस्टर का, 35 days. 35 दिन तक जो है आपको मेरा होमवर्क करना है, 35 days तक। और अगर ये आपके लिए पॉसिबल है तो मैं जो है आई विल नॉट गिव यू बैक टू दैट कैट। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो उन्होंने कहा अगर तुम अच्छी तरीके से ये जॉब पूरा करोगे मेरा, कि मतलब पूरा मेरा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो मुझे जो है मे बी जो है आई गॉट ए ग्रेड, मे बी मुझे जो है ए ग्रेड मिल जाएगा अगर तुम अपना जॉब अच्छे से करोगे। तो उसने अपनी शर्त रखी, किसने? पैट्रिक ने। और उसने क्या बोला था कि अगर तुम जो है प्लीज मुझे जो है इसके पास मत भेजना, कैट के बिल्ली के पास मत भेजना, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, क्या प्रॉमिस थी, कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा। और पैट्रिक क्या बोलते हैं, उसे विश्वास नहीं होता है कि ही गॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम। वो बोलते हैं कि इफ यू डू ऑल माय होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट इज 35 डेज, और अगर आपका जॉब भी अच्छा रहेगा, अच्छे से काम करोगे मेरा, तो मे बी आई गॉट गुड मार्क्स, मे बी ए ग्रेट। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड। अब रिंकल्ड का मतलब क्या होता है? फोल्ड्स, झुर्रियां पड़ गई, मतलब इस तरह से जो है रिंकल्ड मीन्स फोल्ड, लाइक ए डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखना,
कि द लिटिल मैन, जो छोटा सा जो टाइनियस साइज का मैन था, जैसे ही उसने कहा कि भाई तुम्हें मेरा होमवर्क करना है, तो उसको क्या हुआ बच्चों कि फेस जो है रिंकल्ड हो गए, फोल्ड आ गए उसके फेस में, जैसे होता है ना गुस्से में सिकुड़ते हैं तो हमारे चेहरे में जो है लाइन बन जाती है, तो कैसे रिंकल थे यहाँ पे देखो, कंपेयर करा है, किससे कंपेयर करा है, डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, एक बर्तन में जब हम कपड़े जो है निचोड़ के फेंकते हैं तो उस समय क्या होता है कपड़ों में बच्चों, रिंकल्स पड़े रहते हैं, राइट, तभी हम आयरन करने के लिए देते हैं ना उसे, तो वहां पे भी जो उसका फेस था उसने कंपेयर करा किससे, कैरल मून ने जो इसके राइटर है ऑथर है, कि उसका फेस ऐसा हो गया जैसे कि रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ होने ना हैम्पर, जैसे हम निचोड़ के उसको फेंक देते हैं कपड़ों को और उसमें जो है लाइनें लगी रहती हैं, ऐसा उसका फेस हो गया था। अब क्यों हुआ था ऐसा, कोई रीजन हुआ होगा, राइट, तो लेट्स सी व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ही किक्ड हिज लेग्स, अब गुस्से में उसने क्या करा, अपनी जो लेग थी उसको क्या करा, किक करा जोर से, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अब डबल्ड हिज फिस्ट का मतलब मुट्ठी, फिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मुट्ठी, अब दोनों मुट्ठी जो है गुस्से में जो होता है ना कि फेस में रिंकल्ड आ गई और उसने ऐसे करा और अपने लेग से क्या करा, किक करा, किक हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड he grimaced and scowled and pursed his lips, अब गुस्से में जो है उसने pursed his lips, oh am I cursed, तो उसे लगा oh am I cursed, क्या मुझे किसी ने curse कर अभी शाप दिया है क्या, but I'll do it, तो मैं जो है इसको किसी भी तरह से करूंगा, गुस्सा आ रहा था उसने अपने legs को करा और जो उसकी डबल फिस्ट करा उसने और उसको जो है फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसको पसंद नहीं था होमवर्क करना, बट स्टिल कि अगर जो है अगर वो ये प्रॉमिस नहीं करेगा उसे तो क्या होगा, वो उसको किसको दे देगा, कैट को, एंड ही डोंट वांट टू गो बैक टू दैट कैट, और उसको जो है बिल्कुल पसंद नहीं था, ही डजंट वांट टू गो बैक टू दैट कैट, नहीं जाना चाहता, राइट, बट उसने कहा आई डू इट, कि मैं करूंगा, कहा इट इज बेटर टू गो बैक टू दैट कैट, तो उससे तो बेटर है कि आई विल डू इट, कि मैं इसको करूंगा, कैसे भी हो मैं इसको करूंगा, राइट, जैसे पैट्रिक जो है मे बी ये भी हो सकते हैं कि मे बी ही ऑल्सो डिडंट वॉन्ट टू डू द होमवर्क, वो भी नहीं करना चाहता होगा मे बी, राइट, बट उसने कहा कि भाई उससे जाने से बेटर है कि आई डू इट, कि मैं इसको करूंगा, एंड ट्रू हिज वर्ड, अब जैसे होता है ट्रू हिज वर्ड में, जैसे उसने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था, कि आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि अगर तुम मुझे उस कैट के पास नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा, और ये उसने प्रॉमिस किया था, ट्रू हिज वर्ड मीन्स, कि कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, राइट, कि हमने ऐसा नहीं किया था, बट जो टाइनियस साइज का मैन था ही वॉज ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अब वो एल्फ जो था, एल्फ अब जैसे अभी हमने बताया था, ये कौन है, एल्फ टाइनियस मैन, जो छोटे छोटे लोग होते हैं उसको बोलते हैं एल्फ, राइट, तो उसने करना क्या करा, he began to do Patrick's homework, अब उसने जो है उसका काम करना शुरू कर दिया, किसका, Patrick का, except there was one glitch, glitch क्या होता है बच्चों, रुकावट, glitch means कई बार होता है ना कि जैसे मशीन में भी आप काम करते हैं तो काम करते करते कहीं बस सुई अटक जाती है या धागा टूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या मशीन में अगर रिपेयर नहीं करते हैं तो क्या होता है, रस्टिंग के कारण जो है जंग लगने के कारण भी कई बार रुकावट आती है, तो देयर वॉज वन ग्लिच, अब रुकावट क्या आई, लेट्स सी, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, अब एल्फ जो है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उसको जो है लगा कि द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि उसे पता नहीं था कि क्या करना है, राइट, ही डिडंट नो What to do, and he needed help.
अब मान लो कहीं पर आप होमवर्क करना करने बैठते हो और कहीं पे जो है एक ग्लिच आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, आप अटक जाते हो, तो आप क्या करते हो, हेल्प के लिए बुलाते हो ना, हेल्प मी हेल्प मी। तो सेम द टाइनियस मैन एल्फ, जो एल्फ ने क्या करा, उसने ही शाउटेड हेल्प मी हेल्प मी। क्या बोला उसने, हेल्प मी हेल्प मी। ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। अब जैसे ही उसने बोला हेल्प मी तो ऑब्वियस है कौन आएगा, किसका काम कर रहा था बच्चों, पैट्रिक का। तो पैट्रिक जो है वहां पे आया, पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, राइट। अब उसने कहा भाई मुझे हेल्प चाहिए, अब कैसे भी जो है उसको किसको हेल्प करनी थी, पैट्रिक को, किसके करनी थी, एल्फ की। व्हाट एवर वे, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक मीन चिल्लाया, व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब जैसे वो जो है रीडिंग कर रहा था पैट्रिक के होमवर्क का, तो उसने कहा कि भाई आई डोंट नो दिस वर्ड, कि ये जो वर्ड आया है बीच में व्हाइल ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, उसने कहा आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। किससे बोला उसने, पैट्रिक से बोला, राइट, गेट मी अ डिक्शनरी। तो उसने कहा भाई मेरे लिए डिक्शनरी लाओ, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, प्लीज गेट मी द डिक्शनरी। उसने कहा जल्दी से डिक्शनरी लेके आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो उसने क्या बोला, नो वर्ड्स इवन बेटर, कि क्या है कि आप इस वर्ड को क्या बोलो, द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, इसको पढ़ने की कोशिश करो, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इसको साउंड करने की कोशिश करो। उसने कहा इसको पढ़ने की कोशिश करो और साउंड करो बाय ईच लेटर, राइट। कोई भी वर्ड होता है तो आप कैसे पढ़ते हैं उसको, जो लेटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको साउंड करते हैं, प्रोनंसिएशन करते हैं। उसने कहा नो, उसने कहा गेट मी अ डिक्शनरी, नो वट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर व्हेन इट केम टू मैथ्स। अब जो है मैथ्स की बारी आई। अब आप में से कितने बच्चों को जो है मैथ्स अच्छे नहीं लगते, कई बच्चे होंगे जो मैथ्स पसंद नहीं करते, कई बच्चे होंगे जिनको दे लाइक मैथ्स, उनको पसंद होगी, राइट। तो उसने जब मैथ्स की बारी है, व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। अब क्यों बोला यहाँ पे पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ स्क्रीप, वी एल्फ नेवर नीड दैट। अब उसने कहा कि जैसे पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम टेबल्स। अब उसने कहा टाइम टेबल्स क्या होते हैं, तो एल्फ ने चिल्ला श्रीक करा उसने कि वी एल्फ, एल्फ क्या है, ये प्लूरल ऑफ एल्फ, एल्फ का प्लूरल क्या है, एल्फ, क्योंकि यहाँ पे हम एक की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्फ। तो एल्फ ने क्या बोला, श्रीक करा कि वी एल्फ, कि जो हम एल्फ हैं नेवर नीड दैट, कि हमें इस टाइम टेबल्स की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो क्या बोला उसने, वी एल्फ नेवर नीड दैट, कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज व्हाई मेरे को नहीं पता कि क्या होता है टाइम टेबल, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती हम एल्फ को। तो बच्चों इस पैरे में हमने क्या पढ़ा कि पैट्रिक जो है ही नेवर डिड होमवर्क, और क्या पसंद था, ही लव्स टू प्ले, या ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो गेम। अब उसकी एक विश थी, या आप कह सकते हैं आप भी चाहते हैं ना कि भाई कोई आके मेरा होमवर्क कर दे। तो एक दिन जो है उसने क्या देखा, व्हाट ही सॉ, व्हाट ही फाउंड, दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉग, राइट। और जैसे ही उसने उसको खींचा तो ही वाज सरप्राइज्ड दैट इट वाज नॉट अ डॉग बट इट वाज अ टाइनियस मैन। और उसने क्या पहना था, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, शॉर्ट जो है उसने क्या ट्राउजर्स पहने थे, एंड हाई टॉल हैट सच मच लाइक विचेस, जैसे विचेस पहनती है। और वहां से वो येल्ड हुआ, चिल्लाया सेव मी, डोंट गिव, कौन चिल्लाया बच्चों, एल्फ। उसने कहा डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट,
तो एल्फ ने चिल्ला के बोला, गई मैं मुझे जो है दोबारा उस कैट के पास मत भेजना, क्योंकि उसने छीन लिया था उससे, तो मैं जो है तुम्हें एक जो है विश दूंगा, और आई प्रॉमिस यू दैट, और ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक को जो है पहले विश्वास नहीं हुआ, बट ही गॉट द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम। क्यों? उसको ऐसा लगा कि भाई ये जो है ही वॉज द लकी बॉय, क्योंकि उसे लगा कि अरे भाई अभी यही वो चाहता था, और सेम जो है उसे मिल गया कि कोई उसकी विश पूरी करेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ही गॉट द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। अब जैसे ही उसने उसको क्या बोला, एल्फ को पैट्रिक ने, कि इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, अब वही उसकी विश थी कि कोई जो है मेरा काम कर दे। उसने कहा यदि इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज 35 डेज, तो मे भी मेरे अच्छे नंबर आएंगे, राइट? बट जैसे ऐसी हर जैसे उसने सुना तो लिटिल मैन फेस रिंकल्ड। अब क्यों रिंकल्ड हो गया था? क्योंकि वो भी नहीं चाहता था टू डू द होमवर्क। बट ट्विस्ट क्या है बच्चों, कि वो क्योंकि उसके पास नहीं जाना चाहता था, किसके पास, कैट के पास, ही डिडंट वांट टू गो बैक टू दैट कैट। तो उसने कहा भाई नो, आई विल डू, कैसे भी हो मैं इसके काम करूंगा। अब उसने ही बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अब उसने उसका काम करना शुरू कर दिया। अब उसको जो है आई डिडंट नो व्हाट टू डू, क्या करना है, क्योंकि कभी उसने होमवर्क नहीं करा था एल्फ ने। तो उसने क्या बोला, हेल्प हेल्प गेट मी अ डिक्शनरी, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, कि इस वर्ड का मेरे को मीनिंग नहीं आता, प्लीज गेट मी अ डिक्शनरी। और फिर कैसे जो है उसने टाइम टेबल के बारे में पूछा, तो क्या बोला उसने, जवाब क्या दिया, आज इसके वी आज नेवर नीड दैट, कि हमें जो है इसकी जरूरत कभी पड़ी नहीं है, इसलिए आई डोंट नो टाइम टेबल्स क्या होते हैं, राइट? अब कैसे वो हेल्प कर रहा है उसका होमवर्क करते हुए, टुमारो वी विल कंटिन्यू, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चों आप लोग जो है घर में इसको रीडिंग जरूर करें, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आपके प्रोनाउंसिएशन जो है क्लियर नहीं होगा। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।